ऐसे बहुत ज्यादा क्या होता है कि आप सेम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीट्स लिमिटेड है, तो एक आपस में कंपटीशन वाली भी फीलिंग आ जाती है। तो जब मेरे को लो फील होता था, हम आपस में कॉल भी कर लेते कि भाई यार अभी किस स्टेज पे आ गए हैं, कौन सी प्रिपरेशन बाकी हाँ। है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने को फिनिश करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कैसे स्टार्ट करूँ अपना, अभी 7 दिनों में करना है, मतलब लास्ट के 10 डेज बचे हैं तो कैसे अपना रखूँ। मतलब मैं एक पॉइंट हूँ, मतलब अभी बात करते करते जैसे एक मेंशन किया था शुभम ने कि तुम दोनों साथ में प्रिपेयर कर रहे थे साथ में, अब मैं जैसे जॉब में था तो मेरे पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं किसी के साथ में प्रिपेयर कर सकूं, किसी का एक ग्रुप बना सकूं, क्योंकि फिर आपको जब ग्रुप में प्रिपेयर करते हैं तो आपको टाइमिंग मैच करनी पड़ती है। सही बात है, यही बात अगर आप बिना जॉब के भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अमन तुमने जैसे कैसे प्रिपरेशन की थी, सिंगल हैंडेडली या सिंगल हैंड कोई नहीं था तो इस चीज में प्रिपरेशन के टाइम पे कि जब आपका ग्रुप रहता है या फिर आप जब खुद से प्रिपरेशन करते हो तो क्या डिफरेंस क्या रहता है, मतलब तो हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ग्रुप की बात करें ना तो ग्रुप में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक तो आपको आइडिया मिल जाती है कि मतलब कंटेंट कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड पढ़ना है कि उसी को बार बार पढ़ना होता है, और सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा होता है अगर ग्रुप में पॉजिटिविटी रहती है तो। तो हमारा जो ग्रुप था, हम दो के अलावा दो और लोग थे, 4 लोगों का ग्रुप था, तो एक दूसरे के लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे, और लकीली बाई गॉड ग्रेस कह सकते हो या हमारी एफर्ट कह सकते हो कि हम 4ों टॉप 10 में आए। तो ग्रुप में होने से अगर आपकी कोई कमियाँ हैं, अगर पॉजिटिविटी है ग्रुप में तो कमियां दूसरा इम्प्रूव करता है, तो ये हमारे बीच में था, अगर हमें नहीं आता तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। जैसे कि मैं भी जॉब में था तो मेरे थोड़ा टाइम कम मिलता था, तो जब मेरे को लो फील होता था हम आपस में कॉल भी कर लेते थे कि भाई यार अभी किस स्टेज पे आ गए हैं, कौन सी प्रिपरेशन बाकी हाँ। है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने को फिनिश करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कैसे स्टार्ट करूँ अपना, अभी 7 दिनों में करना है, मतलब लास्ट के 10 डेज बचे हैं तो कैसे अपना रखूँ, तो इसमें बड़ी मदद। और उसके साथ साथ अगर हम टेस्ट वेस्ट देते थे तो टेस्ट वगैरह के जो क्वेश्चन नहीं बनते थे तो आपस में एक दूसरे की हेल्प लेके हम क्लियर कर लेते थे जो भी डाउट होते थे, तो ये एक एडवांटेज मिलता है। सिंगल में आप प्रेशराइज हो जाते हो, जैसा शुभम ने बोला अभी कि एक दूसरे से लो जब फील करते थे तो बात कर लेते, तो वैसा ही होता है सिंगल में, ये भी होता है ना। देखो ग्रुप में ये रहता है कि साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से लेवल आप कंपेयर करते हो हाँ। तो आपको लगता है कि सब लोग हाँ। अगर हाँ। टॉप कर रहे हैं तो हमारा होने वाला है, एक बात तो सिंगल में ये नहीं रहता है। सिंगल में लगता है यार पता नहीं मैं दुनिया में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ये वाली आप तैयारी करने वाला जो ग्रुप है उससे एकदम अलग हट के रहते हो, वो चीज थोड़ा सा नेगेटिविटी रहती है मेरे हिसाब से। एक चीज और मैं जान जाऊंगा इसमें, जैसे बहुत ज्यादा क्या होता है कि आप सेम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीट्स लिमिटेड है, तो एक आपस में कंपटीशन वाली भी फीलिंग आ जाती है। डिसएडवांटेज बता दिया कि आप बहुत बार वैसी फीलिंग भी आ जाती होगी या कुछ कुछ में आ जाती है, कुछ कुछ में नहीं आ जाती है कि यार मतलब मैं साथ में कम्पीट कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, इसमें आप तो हेल्दी कंपटीशन कैसे तुमने मेंटेन करके रखा, क्या एक दूसरे को अपने साथ पुल करें, ये पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन किया। हमें तो ये पता था कि सीट्स तो लिमिटेड होती है, पर स्टिल ये तो पता था कि 4 लोग अगर हमें ग्रुप में तो 4 तो सीट है ना, सीट उस टाइम 81 समथिंग थी, तो हम अगर पॉजिटिविटी के साथ प्रिपेयर करें तो ये तो श्योर था कि हम 4 तो आ ही जाएंगे ना, और वही हुआ लास्ट में। सही बात है, तो मतलब एक दूसरे की अगर आप टांग खिंचाई ना करो ना, सपोर्ट करते रहो, कहाँ गलतियाँ हैं उसको बताओ, भाई तुम्हारा ये गलती यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा सा इसमें और एफर्ट लगाओ, थ्योरी में बढ़ाओ, न्यूमेरिकल में अपना इम्प्रूवमेंट दो, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे टेक्निक थोड़ा। बाकी भाई दबे अभी तो यूपीएससी की बात चल रही है, मतलब कैसे हमने क्या किया, बट थोड़ा सा मतलब राधे तुम तो बिहार से हो ना। हाँ हाँ मैं तो बिहार से, ये राजस्थान से हरियाणा से है, तो मतलब हमारे में मिक्स ऑफ ऑल है, या तुम भी बिहार से हो, मैं भी बिहार से हूँ, तो काइंड ऑफ नहीं, हमारा जो पूरा बैच है वो तो मिक्स ऑफ ऑल द स्टेट्स ऐसा टाइप का है, बैकग्राउंड सबके अलग अलग है। तो राधे तुम थोड़ा अपने बारे में बताओ कि मतलब ऐसे किस बैकग्राउंड से आते हो, फिर मतलब वहाँ से यूपीएससी कर पाना कैसे पॉसिबल हुआ। ये चीज़ देखा जाए तो हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम बिहार के सासाराम के एक जगह से आते हैं, सासाराम से एक छोटे से सासाराम हेडक्वार्टर है रोहतास जिले के, वहाँ के एक छोटे से गांव से आते हैं। तो हमारे एरिया में ऐसा है कि एक माहौल में वो बना हुआ है, मतलब बहुत कम लोग हैं जो इस फील्ड में आते हैं इतने मेहनत करके, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट एजुकेशन की लेवल बढ़ रही है तो लोग आ रहे हैं इस फील्ड में। तो अगर आपको सही गाइडेंस मिला, तो मैं एक्चुअली बिहार में 5 बचपन के कुछ 10 सालों तक था, उसके बाद मैं बनारस आ गया, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल में। अच्छा, तो वहाँ से मुझे एक एटमॉस्फेयर मिला, और धीरे धीरे दोस्तों की हेल्प से, सीनियर्स की हेल्प से चीज़ें अवेयर होती गई, अब बिहार
तो इसलिए मैं इधर ही यूपीएससी की तरफ आ गया। फैमिली में कोई गाइड करने वाला बड़ा भाई ये सब नहीं था क्या? नहीं नहीं, मेरे फैमिली में सभी लोग फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, मतलब मैं ही एक हूँ जो इस यहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी फैमिली में। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई नहीं है गाइड करने वाला फिर भी यहाँ तक पहुँच गए। तो आपके अंदर अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेटिंग अगर है, आप सेल्फ बिलीफ है कि आप कुछ कर सकते हो, और जनरली ऐसा कहा जाता है कि बिहार के जो लड़के हैं उसमें यूपीएससी करने की एक जिद पड़ी होती है बचपन से ही। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है, और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कॉन्टैक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSGIS के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और KSGIS की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने KSGIS के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। KSGIS का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 टू 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा है, और इसलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए दो चीज़ें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए, और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4,000 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कॉन्टैक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियाँ हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।